तो दोस्तों बीसीसीआई का खुला राज संजू सैमसन को करना था बर्बाद। जहाँ दोस्तों संजू सैमसन वो ऐसा खिलाड़ी जो कि सबसे अनलकी खिलाड़ी बोला जाए, और इसके साथ जितना भेदभाव हुआ है उसका पूरा सीमा ही टूट गया है। जहाँ दोस्तों संजू सैमसन हमेशा से भारतीय क्रिकेट में एक बेहद ही टैलेंटेड खिलाड़ी माने जाते हैं, और उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है, मात्र अभी तक भारतीय टीम से 11 वनडे मुकाबले में ही मौका मिला है। और बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतर एवरेज रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज है संजू सैमसन। जहाँ दोस्तों बता दें कि ऋषभ पंत से भी बेहतर एवरेज संजू सैमसन का है, लेकिन दोस्तों बता दें कि संजू सैमसन के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है और बहुत ही ज्यादा हो रहा है। यहाँ दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो कि वनडे मैचेस चल रहा है, पहला वनडे मुकाबले में जहां भारतीय टीम बेहद ही मुश्किल स्थिति में थी, वहां पर संजू सैमसन ने आकर एक बेहतरीन इनिंग खेला जिसके दम पर भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन भारतीय टीम हुआ मुकाबला हार गई थी, लेकिन उसमें संजू सैमसन का बेहतर प्रदर्शन था। लेकिन अब दूसरे वनडे मुकाबले में उन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया। जहाँ दोस्तों जबकि ऋषभ पंत का पहले वनडे में कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 में रखा गया है, वहीं संजू सैमसन को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। ये समझ से परे हैं, क्योंकि जहां पर संजू सैमसन बता दिए 5-6 मुकाबले से बेहतरीन प्रदर्शन किए, मात्र एक बार आउट हुए वनडे मैचेस में भारत की तरफ से, इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जा रहा है, जिससे उनके कॉन्फिडेंस पर भी असर हो सकता है, उनका परफॉर्मेंस गिर सकता है। लेकिन बीसीसीआई यह समझ नहीं रही है और बार बार उन्हें बाहर कर रही है, और बाद में उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तो बोलेगी कि खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। या दोस्तों यह बेहद ही बड़ा चाल है बीसीसीआई का संजू सैमसन को बर्बाद करने का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए तीसरा वनडे मुकाबले में या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।